हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान इंग्लिश वर्कबुक फॉर क्लास सेवेंथ करेंगे और उड़ान इंग्लिश वर्कबुक फॉर क्लास सेवन में हम करेंगे वर्कशीट एट, लेसन है द टाइनी टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट एट, ग्रामर रिविजन। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रीपोजिशन। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें उपयुक्त प्रीपोजिशन के साथ में। ए है दिनेश इज स्टैंडिंग डैश रेहान एंड रानी। दिनेश जो है रेहान और रानी के मध्य खड़ा हुआ है, दो के बीच में खड़ा हुआ है, दो की बात हो तो बिटवीन आता है। दिनेश इज स्टैंडिंग बिटवीन रेहान एंड रानी। बी है माय हाउस इज डैश द ऑफिस, मेरा घर ऑफिस के निकट है तो नियर आएगा। सी है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द बॉल, बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं तो के साथ के लिए विद, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द बॉल। डी है पिक अप द कॉइन इट इज़ डैश द सोफ़ा, कॉइन को उठाओ ये सोफ़ा पर है तो पर के लिए ऑन यहाँ पर, इट इज ऑन द सोफ़ा। अब सेकंड है अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में एडवर्ब को अंडरलाइन करें। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। ए में है शी प्लेड द ड्रम्स लाउडली, उसने ड्रम्स को जोर से बजाया, जोर से मतलब लाउडली। बी है आई नेवर ईट ब्रिंजॉल्स, मैं कभी ब्रिंजॉल्स नहीं खाता, मैं कभी बैंगन नहीं खाता, तो नेवर आपका यहाँ पर एडवर्ब है। सी है ही लिव्स अपस्टेयर्स, वह ऊपर रहती है तो अपस्टेयर्स जो है वो आपका एडवर्ब है। ए में लाउडली एडवर्ब, बी में नेवर एडवर्ब, सी में अपस्टेयर्स एडवर्ब। अब थर्ड है आपका पुट ए टिक ऑन द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाएं। फर्स्ट है आई डैश फुटबॉल एवरी संडे मॉर्निंग, मैं प्रत्येक संडे मॉर्निंग को फुटबॉल खेलता हूँ। तो ए में प्लेइंग है, बी में प्लेड है, सी में प्लेज है, डी में प्ले है, ता हूँ बोला है मैंने। और अब जब भी एवरी संडे मॉर्निंग को इससे पहचान हो जाती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस, तो यहाँ पर आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। सेकंड है डोंट मेक सो मच नॉइज, नूपुर डैश टू स्टडी फॉर हर टेस्ट, इतना शोर मत करो, नूपुर अपना जो है टेस्ट के लिए स्टडी करने का प्रयास कर रही है। ए ट्राई, बी इज ट्राइंग, सी ट्राइड, डी ट्राइज, तो यहाँ पर आएगा इज ट्राइंग। थर्ड है द हॉर्स इज ट्रेंड डैश इन द रेसेस, हॉर्स को ट्रेन किया जाता है रेसिस में क्या करने के लिए, गैलप करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा गैलप, जी ए डबल एल ओ पी। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस इन्फिनिटिव हो जाता है ये, टू गैलप। फोर्थ है द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन बिकॉज द आउल डैश, ए हूट, बी हूटेड, सी हूट्स, डी हूटिंग, तो यहाँ पर होगा हूटेड। रात की चुप्पी जो है आउल के हूट करने से टूट गई तो हूटेड आएगा। फिफ्थ है द स्नेक डैश एंड डैश टूवर्ड्स द रैबिट, सांप जो है रैबिट की तरफ क्या किया उसने, हिस्ट किया और स्लीदर्ड किया, तो द स्नेक हिस्ट एंड स्लीदर्ड टूवर्ड्स द रैबिट, ऑप्शन बी आपका सही है। सेकंड में इज ट्राइंग, ऑप्शन बी। थर्ड में गैलप, ऑप्शन ए। फोर्थ में हूटेड, ऑप्शन बी। और फिफ्थ में हिस्ट और स्लीदर्ड, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम फोर्थ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब एंड टेंस। ब्लैंक्स को भरो करेक्ट वर्ब और टेंस के साथ में, दे रखे हैं प्रैक्टिस, प्ले, कुक, राइट। ए में है लास्ट संडे एट फाइव आमिर डैश क्रिकेट, पिछले रविवार को 5 बजे आमिर जो है क्रिकेट खेला। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि लास्ट संडे दे रखा है, टाइम दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो प्लेड कर दिया हमने प्ले का। उसके बाद बी में है एट दिस मोमेंट दे डैश देयर टेस्ट, इस मोमेंट वो अपना टेस्ट कर रहे हैं, तो एट दिस मोमेंट आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है, तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया तो दे के साथ आर आ गया, फिर राइटिंग आ गया, राइट का हमने राइटिंग कर दिया। उसके बाद है सी शी डैश बिरयानी फॉर द पार्टी दिस इवनिंग, वो इस शाम पार्टी के लिए बिरयानी पका रही है, तो दिस इवनिंग आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो शी के साथ इज होगा और कुक का हम कर देंगे कुकिंग।
तो यहाँ पर हो गया इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी इज कुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डी में है द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड डांसेस यस्टरडे। यस्टरडे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कर दिया। उसके बाद है फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन। ब्लैंक्स को जो है आपको करेक्ट कंजंक्शन के साथ भरना है। कंजंक्शन होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। तो ए आई हैवंट स्टडीड फॉर द एग्जाम डैश आई फील ए लिटिल नर्वस। मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं की है क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। तो बिकॉज। बी है आई टोल्ड हिम नॉट टू कम डैश ही केम एनीवे। मैंने उसे कहा कि वो ना आए लेकिन फिर भी वह जो है आ गया। लेकिन परंतु यानी बट आई टोल्ड हिम नॉट टू कम बट ही केम एनीवे। अगला है सी वी जनरली प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। हम सामान्यतः फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं तो और के लिए एंड हो गया। वी जनरली प्ले फुटबॉल एंड हॉकी पहले में बिकॉज क्योंकि सेकंड में बट लेकिन या परंतु थर्ड में एंड और। तो स्टूडेंट्स यहीं पर आपकी वर्कशीट 8 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट 9 करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।